बड़ी स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर सिक्स। चलो 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 चलो, एक पोयम है जो आपको मैं आज एक्सप्लेन करवाऊंगी, आपको ये लर्न करनी है, ठीक है। चलो चलो, कुछ पेड़ लगाए, हरा भरा संसार बसाए, वातावरण को स्वच्छ बनाए, जग में हम खुशियाँ फैलाएं, चारों ओर हरियाली छाए, पेड़ न कोई कटने पाए, धरती पर जीवन लहलाए, चलो चलो कुछ पेड़ लगाएं, हर व्यक्ति एक पेड़ लगाए जिससे प्रदूषण घट जाए, आओ हम सब कसम खाए, चलो चलो कुछ पेड़ लगाएं। ये पोयम पेड़ लगाने के बारे में है। पेड़ों से हमें क्या मिलता है, जीवन मिलता है, इनसे मौसम चक्र है चलता सबको, अभी ये बात बताएं, चलो चलो कुछ पेड़ लगाएं। अभी ये पोयम आपका हो गया, अब मैं आपको इसके हर्ड वर्ड्स करवाऊंगी। वातावरण तो पर्यावरण, स्वच्छ साफ, जग संसार, खुशियाँ बहुत सारी खुशी, हरियाली हरितिमा, प्रदूषण गंदगी, हर एक व्यक्ति प्रत्येक आदमी, मौसम चक्र ऋतुओं का चक्र, ठीक है। अभी सही विकल्प पर राइट मीन्स टिक करना है। नंबर वन, हरा भरा संसार किस प्रकार बनेगा। इसके ऑप्शन है पेड़ लगाने से, सब्जियां लगाने से, पेड़ काटने से, या रंग फैलाने से। तो ये चैप्टर क्या है, कभी क्या बोलता है, पेड़ लगाओ, तो पेड़ लगाने से, पेड़ नहीं कटने से जीवन क्या लहलाएगा, आकाश पर, चांद पर, धरती पर या सागर पर। तो आंसर आएगा धरती पर, ठीक है। कविता के अनुसार पेड़ों से हमें क्या सीख मिलता है, कविता के अनुसार पेड़ों से हमें क्या मिलता है, मृत्यु, जीवन, दुख या दर्द। तो आंसर आएगा जीवन। कवि कौन सी कसम खाने को कहता है, पेड़ काटने की, देश को बचाने की, सब्जियां लगाने की, पेड़ लगाने की। तो आंसर आएगा पेड़ लगाने की, ठीक है। इस कविता में क्या संदेश दिया गया है, पेड़ लगाने का, पेड़ काटने का, जल बचाने का या जन कर कम करने का। तो पेड़ लगाने का, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, हार्ड वर्ड्स हो गए और टिक द करेक्ट ऑप्शन हो गए, जो आपको क्लास वर्क की बुक में और होमवर्क की बुक में करना है और लर्न करना है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर आपको करवाऊँगी, ठीक है।